गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखो भैया, अपने हिस्ट्री में क्रांतिकारी की बात कर रही थी कि अपने राजस्थान के जो प्रमुख क्रांतिकारी है उनके ऊपर अपने चर्चा कर रहे थे। अपने मेन मेन क्रांतिकारी अपने विजय सिंह फतिक है, केसरी सिंह बारट है, जोरावर सिंह है, प्रताप सिंह है, सागरमल गोपा है, ऐसे मेन मेन क्रांतिकारी अपने हो चुके हैं। आज अपने राजस्थान के एक मेन क्रांतिकारी की और अपने चर्चा करते हैं और वो है अपने राव गोपाल सिंह खरवा। देखो भैया, गोपाल सिंह खरवा कौन थे? पहली बात तो ये खरवा क्या है? देखो भैया, अजमेर जो है, इस अजमेर के पास में एक ठिकाना था और उसी ठिकाने का क्या नाम था? खरवा था। मतलब ये खरवा ठिकाने के रहने वाले थे, इसलिए इनके नाम के पीछे कौन आगे कौन सा वर्ड लग रहा है? खरवा लग रहा है। खरवा क्या है? इनका ठिकाना है, इनकी जन्म भूमि है, इसीलिए इन्हें अपने इतिहास में राव गोपाल सिंह खरवा के नाम से जाना जाता है। देखो कोई विशेष नहीं है, दो तीन यहाँ पर इनके बारे में संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो इनके बेसिक जीवन की बात करें तो देखो भैया, 1872 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और ये जो थे वो आर्य समाज से काफी प्रभावित थे। आर्य समाज जिसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी बंबई में 1875 ईस्वी में। तो आर्य समाज के जो सिद्धांत थे, स्वामी दयानंद की जो शिक्षाएं थी, उनका जो एक प्रकार से नेतृत्व तो क्षमता थी, उनमें जो देशभक्ति की भावना थी स्वामी दयानंद सरस्वती में, जो स्वराज्य स्वदेशी स्वभाषा से वर्ड का उन्होंने पहली बार प्रयोग किया था, उनसे ये काफी क्या हुए? प्रभावित हुए। और इन्हीं वजह से इनमें देशभक्ति की, देश प्रेम की भावना जो है वो एक प्रकार से अपने कह दे कि बचपन से ही कूट कूट कर भरी हुई थी। अपने कुछ इतिहास के कुछ ऐसे शासक भी हुए हैं जिनसे राव गोपाल सिंह खरवा जो है वो काफी प्रभावित हुए। अगर उनकी अपने बात करें तो देखो, अपने महाराणा प्रताप, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे छोटा क्वेश्चन कि राव गोपाल सिंह खरवा जो है वो इतिहास के किन शासकों से काफी प्रभावित हुए, या क्वेश्चन पूछ ले कि गोपाल सिंह खरवा जो है इन्हें देशभक्ति या देश प्रेम की भावना जो है वो किन शासकों से प्राप्त हुई या किनकी प्रेरणाओं से प्राप्त हुई। तो महाराणा प्रताप है, अपने दुर्गादास है, अपने चंद्रसेन है, इनके विचारों से या एक प्रकार से कहते कि राव गोपाल सिंह खरवा जो थे वो इनकी क्या करते थे? इनकी जीवनियां पढ़ते थे, इनकी गाथाओं के बारे में सुनते थे, इनकी गाथाओं को पढ़ते थे। अपने शिवाजी है, इनके विचारों से काफी प्रभावित हुए और उन्हीं से इनके मन में एक प्रकार से देश प्रेम की, देशभक्ति की भावना का विकास हुआ और अंग्रेजों के ये क्या हो गए? विरोधी हो गए। इसके अलावा भैया, 1906 ईस्वी में इन्होंने कहां का दौरा किया? बंगाल का दौरा किया। 1906 ईस्वी में कहां चले गए थे? ये बंगाल चले गए थे। और बंगाल जो उस समय जो अपने कहते कि क्रांतिकारियों का एक प्रकार से गढ़ था, तो बंगाल के अंदर जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों के साथ में भी इनका संपर्क बढ़ा और उन्हीं से नए देश प्रेम की भावना इनके मन में जागृत हुई। इसके बाद में भैया, 1910 ईस्वी में एक संगठन की स्थापना हुई थी जिसका नाम था वीर भारत सभा। इसके बारे में देखो, पहले बता चुका हूं दो तीन वीडियो में। 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना में देखो भैया, किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं था, कई व्यक्तियों का योगदान था और उनमें से एक कौन थे? अपने गोपाल सिंह खरवा थे, अपने केसरी सिंह बारट थे, विजय सिंह फतिक का भी इसमें नाम आता है। तो वीर भारत सभा में भी एक प्रकार से कहे कि गोपाल सिंह खरवा जो है इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान था, इसकी स्थापना में इनका भी अहम योगदान था। अब देखो भैया क्या होता है, फरतम विश्वयुद्ध हो गया था। फरतम विश्वयुद्ध के बाद में रास बिहारी बोस जो है इन्होंने 21 फरवरी या अपने 21 फरवरी न लिखे, सीधा लिख दे फरवरी 1915 में एक योजना बनाई थी, सशस्त्र क्रांति की योजना। इस सशस्त्र क्रांति की योजना जो है इसकी डेट डिसाइड की गई थी 21 फरवरी 1915 को। संपूर्ण भारत में सशस्त्र क्रांति, सशस्त्र का मतलब शस्त्रों के साथ, शस्त्रों के साथ मतलब हथियारों के साथ। तो देखो 1915 ईस्वी में रास बिहारी बोस जो है इन्होंने सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी और राजस्थान में इस क्रांति का जो दायित्व था
जो अहम दायित्व दिया गया था वो किन्हें दिया गया था? गोपाल सिंह खरवा को ही दिया गया था। लेकिन यह क्रांति जो है, एक प्रकार से कहे कि इस क्रांति की भनक जो है वो ब्रिटिश सरकार को लग गई थी, जिसकी वजह से यह क्रांति जो है वो सफल नहीं हो सकी, एक प्रकार से कहे कि असफल हो गई। इसके बाद में भैया 1944 ईस्वी में इनके पिताजी का क्या हो गया? देहांत हो गया। और पिताजी का देहांत होने के बाद में 1944 ईस्वी में ही ये कहां की गद्दी पर बैठे? खरवा जो जागीर थी, खरवा जो ठिकाना था, वहां की गद्दी पर ये क्या हुए? विराजित हुए, वहां की गद्दी पर बैठे। अब देखो भैया, इनका नाम जो है, अपने गोपाल सिंह खरवा जो है, इनका नाम अपने दिल्ली षड्यंत्र केस, अपने कोटा में जो साधु हत्याकांड हुआ था उसमें इनका नाम प्रमुख रूप से उछल कर आया था। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली षड्यंत्र केस में भी इनकी भूमिका थी, हालांकि डायरेक्ट रूप से नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं अपने, क्यों? क्योंकि गोपाल सिंह खरवा जो है वो उस समय के अपने राजस्थान के एक प्रमुख क्रांतिकारियों में गिने जाते थे। तो दिल्ली षड्यंत्र केस है, अपने कोटा में जो साधु हत्याकांड हुआ था वह केस है, उनमें इनका एक प्रकार से योगदान ब्रिटिश सरकार के सामने आया, और इन्हीं के किसी मित्र ने इनको धोखे से पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। मतलब पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके इनको कहां पे रखा गया था? टोटगढ़ का जो दुर्ग है वहां पर इनको बंदी बनाकर रखा गया था। लेकिन ये कुछ समय तक वहां पर बंदी रहे, और एक दिन मौका पाकर वहां से क्या हो गए? फरार हो गए, वहां से भाग गए। ब्रिटिश सरकार जो है या अंग्रेज जो है, इन्होंने इनकी जो जागीर थी, खरवा की जो जागीर थी, उसे क्या कर लिया? जब्त कर लिया। और इस प्रकार से 1939 ईस्वी में इस महान क्रांतिकारी का क्या हो गया? देहावसान हो गया। अर्थात इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1939। देखो भैया, 12वीं क्लास की जो बुक है उस बुक में 1939 नहीं दिया हुआ है, वहां पे शायद 1952 या 56 ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जो करेक्ट डेट है वो क्या है? 1939 ईस्वी में इनका क्या हो गया था? देहावसान हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। और भारत सरकार जो है, इस भारत सरकार ने इनकी मृत्यु के बाद में 1989 ईस्वी में इनकी याद में क्या जारी किया? डाक टिकट जारी किया। इनकी याद में 1989 में क्या जारी किया? डाक टिकट जारी किया। तो ये थे भैया अपने राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी गोपाल सिंह खरवा। देखो यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मोटे मोटे एक दो क्वेश्चन पूछते हैं गोपाल सिंह खरवा से कि कौन से समाज से प्रभावित थे? आर्य समाज से प्रभावित थे। किन शासकों का इनके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ा? तो अपने महाराणा प्रताप है, अपने दुर्गादास है, अपने चंद्रसेन है। इसके अलावा शिवाजी जो थे, शिवाजी से भी ये काफी प्रभावित हुए थे। इनका इनके जीवन के ऊपर क्या पड़ा था? प्रभाव पड़ा था। कौन से संगठन से जुड़े हुए थे? वीर भारत सभा से जुड़े हुए थे। और एक कौन से दुर्ग में इनको रखा गया था? टोटगढ़ के दुर्ग में रखा गया था। और अंतिम क्वेश्चन जो है, इनके ऊपर डाक टिकट कब जारी की गई थी? 1989 में। तो ये थे भैया अपने राव गोपाल सिंह खरवा, अपने राजस्थान के क्रांतिकारी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें अपने बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन देख लें या पहले प्रजामंडल आंदोलन, जो भी अपने सही सेट होगा उसकी अपने चर्चा करेंगे। ओके।